आइए। कितनी देर कर दी आने में? इतनी देर का बिल्कुल टाइम पे आए हैं हम पुष्पा जी। अच्छा अच्छा दीजिए पैसे, ये लीजिए। और ये सब क्या है? क्या आप लड़के की माँ बनी है या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में जा रही जो इतना लाउड मेकअप कर कर आई है? और ये पिंक लिपस्टिक कहाँ लगाई है आप? अभी हो गया ना आपका काम, दे दिए ना पैसे, अभी जाइए। अच्छा पुष्पा जी, काम निकला तो सुर बदला। हाँ सुंदरता की पहचान ही कहाँ है आपको। पुष्पा जी, पुष्पा जी क्या हुआ? छुपी 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 कहाँ, क्या हुआ? अरे हम इसको देखे तो छुपी, आप छुपी। कौन किसको क्या? छुपी छुपी आप छुपी छुपी कहाँ छुपी, क्या हुआ? अरे ये वही है, हम जब गए थे ना लता के घर में तो हमने देखा नहीं था पर देखा था। है हाँ, क्या कह रही हैं आप? देखा नहीं था पर देखा था। अगर देखा नहीं था तो देखा कैसे था? और अगर देखा था तो देखा नहीं था कैसे? मतलब ऐसे शक्ल नहीं देखा था पर हमने देखा था, अब समझ नहीं रही है। अच्छा मतलब हम ही समझ नहीं रहे हैं। अरे आपको कैसे पता घूंघट के पीछे वही है? क्योंकि पुष्पा जी वो ऐसा एक्शन करती है और हमने देखा उसने भी ऐसा एक्शन किया, एकदम ऐसा। ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा करती है, ऐसे करके ऐसे करती है वो। ऐसा? अरे हम भी पागल ही है। सड़के बता रहे हैं कि ये वो ही है, अगर इसने हमको देख लिया ना पुष्पा जी तो भवाल हो जाएगा साथ में। तो आपको क्या जरूरत थी उनके घर जाने की? मैडम सर ने मना किया था ना आपको। मतलब हम हसीना मैडम के परमिशन का वेट करें फिर जाए, हमसे नहीं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। SHO है वो हमारी, सुनना पड़ेगा आपको। लेकिन हमारे अंदर नहीं है इतना पेशेंस। अरे वो आपका पेशेंस ना हमको पेशेंट बना देगा। अम्मा तुम्हारी मैया की गंगा मैया, चाहती हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पढ़ो और अपने सारे सपने पूरे करो। मगर हर किसी के सपने पूरे हो वो भी तो जरूरी नहीं है ना लता। सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें पूरा करना पड़ता है, मेहनत से, लगन से, पैशन से। तजुर्बा कहता है हमारा कि जिंदगी एको साउंड की तरह होती है, हम जिस ढंग से उससे सवाल करते हैं ठीक उसी ढंग से हमें जवाब मिलते हैं। लता अगर तुम एक बार ठान लो कि तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो, पढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी जीना चाहती हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसे? अरे क्या यार शुक्ला जी, आप भी एक लड्डू के लिए पैसे पैसे करते रहते हो। लड्डू के पैसे नहीं भैया, हमारे कमीशन वाले पैसे कहाँ हैं? कमीशन वाले? हाँ वो आ रहे हैं ना। कब आ रहे हैं? जब कनात वाले ये सारी दरी बरी उठा के लेके जाएंगे तब। देखिए देखिए हमारी मम्मी आ गई पैसे लेकर। देखिए 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 अरे बाप रे, भागती हुई तुम्हारी मम्मी कितनी भयानक लग रही है। शुक्ला जी क्या कर रहे हैं? शुक्ला जी शुक्ला जी, ई लियो तो हर पैसा गिन लियो बा। हाँ गिन लेंगे ना अब, खा 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 खा। लेकिन आप इतनी हाँफ क्यों रही है? हाय दया, आप का बताएं हम आपको, इतना सारा पैसा एक तो एटीएम में थोड़ी ना मिलता है। एक एटीएम से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से ऐसा भागम दौड़ी कर करके ना हमारी तो सांस फूल गई। अब क्या बताएं हम आपको। हम बिल्कुल समझ गए थे, इसका इलाज है हमारे पास। वेटर यहाँ आवा, मैडम को ठंडा पानी पिलाओ। हमको ठंडा शरबत चाहिए बा। ठीक
पी के पिलाते हैं वेटर, मैडम के लिए शरबत लेके आओ। अरे हमारे फोन बज गए, हेलो। अरे हाँ हाँ आ रहे ना अभी, आ रहे। हाँ अरे पुष्पा जी क्या हो गया? अरे कहा बताए हम क्या बताए तुमको? का? एक बार बस एक बार ठान लो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम लड़के की बहन हैं, हम ये शादी रुकवा सकते हैं। बस तुम ये तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। वैसे आप रहते कहाँ हैं? हवालात में है? डैडी का कहने का मीनिंग है कि अपनी वाइफ के साथ रहना कोई हवालात से कम तो नहीं है। ओह सही है, काफी मजाकिया आदमी है आप दोनों, काफी मजाकिया। वो अंकल आपने अभी तक ड्रेस चेंज नहीं किया? अरे डॉटर्स वेडिंग, गो फास्ट, गेट रेडी। हाँ बस शर्मिला बाहर से आई रही कपड़े लेकर के। कपड़े नहीं तो चेंज कहाँ से होगा? अरे शर्मिला आ गई, कहाँ रह गई थी तुम, इतना देर कर दिया। अरे वाह कपड़े चेंज कर दिए, वेरी गुड। ऐसा करो ये लो मेहमानों का ख्याल करो, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। आ जाओ। वाह तुम्हारा नाम क्या है शर्मिला? जाओ लड़के वालों के लिए शरबत लेकर आओ। लड़के वालों को ना शादी कैंसिल करवा देंगे, जाओ हम कहते हैं लड़के वालों के लिए जल्द से जल्द शरबत लेकर आओ। ऑर्डर अपनी मैया को देना जाके। करिश्मा मैडम आप देखो लता, तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारी शादी ना किसी और की। हम तुम्हें गारंटी देते हैं, हम हैं तुम्हारे साथ, तुम बस तय करो कि तुम करना क्या चाहती हो। एक कदम भी आगे बढ़ा मेरा मरा मुंह देखेगी लता। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, बट मुझे अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना होगा। आप जानते नहीं है अगर मैंने ये शादी नहीं की तो पापा जान दे बैठेंगे, कैसे होने दे सकती हूँ मैं ऐसा। क्या लगता है आपको कि मैडम सर लता को समझाने में कामयाब हो पाएंगे? 2000% समझाने में मैडम सर का कोई जवाब नहीं, वो लता का ब्रेन वॉश करने में जरूर कामयाब होंगी। ठीक है। ओ नहीं हम क्वाक मार रही हैं संतू जी, बता तुझे आंख मार रही हूँ मैं? हाँ मेरी सीधी आंख फड़क रही है, मतलब पक्का कोई गड़बड़ होने वाली है। नहीं नहीं संतू जी ऐसे मत बोलिए। ठीक से साड़ी बांधने भी नहीं सिखाई ना आपकी माँ ने, ऐसे बांधते हैं साड़ी? ये क्या है? पूरी वर्दी दिख रही है अंदर की, 2 मिनट में पकड़े जाएंगे हम। 5 फुट 5 इंच की गाड़ी में ना आप साड़ी पहन के दिखाइए, हम आपको मान जाएंगे पुष्पा जी, साड़ी पहनने और लपेटने में का फर्क होता है। हाँ ठीक है ठीक है, अंदर चलिए हम ठीक कर देते हैं। चलिए इधर आइए, यहाँ कुछ अटक रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, आइए आइए। अरे हाँ ये क्या है, क्या है ये? गोडीजे 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 हमारा गला, ऐसे घोटते हैं गला, ऐसे नहीं घोटते। हाँ अब ठीक लग रहा है। कुछ ठीक नहीं है यहाँ, वो देखो। अरे मगर ये छूट कैसे गई? अपनी टी से बांधा ही नहीं होगा इसको पुष्पा जी। हाँ हाँ इसमें भी हमारी गलती तो है। किसका गलती है? अभी हमको कोसना बंद करो और सोचो करे क्या, किसी ने उसको देख लिया ना तो क्या करे? गए हैं फिर। जीते 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 जीते। अरे इस ससुर हवेली में नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम है। जीते मैंने कहा था ना तुझे कुछ गड़बड़ होगी, देख ले। अरे इस ससुर नेटवर्क नहीं मिल रहा हमको, कहाँ है शुक्ला जी? हाँ शुक्ला जी। अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी इधर, कहाँ डेकोरेशन करवाए हैं आप? फिर वेरी बैड बताइए। अरे ऐसा लग रहा है जैसे कि गुड्डा गुड़िया का शादी हो रहा है, बिल्कुल सीरियस लग रहा है। इतना लड़का लड़की वाला लोग से इतना ज्यादा पैसा लेते हैं आप, थोड़ा सा डेकोरेशन का खर्चा कर देते। पुष्पा जी अगर हाथ ढंग से बांधे होते तो पैर नहीं खोल पाती। क्या पता इसने पहले पैर खोले होंगे जो आपने बांधे थे।
कुछ भी सीरियस नहीं हो रहा है यहाँ पर। नहीं तो क्या? पापा गुस्सा नहीं, आपका बीपी हाई हो जाता है आराम से। डैडी टेक अ डीप ब्रेथ। छोड़ो। हाँ। अरे शुक्ला जी, आपने शमिला को देखा क्या? अरे नहीं देखा ना। आप लोगों ने देखा मेरी बहू को? ना। फिर तो बाहर से मुझे ही जाके सामान लाना पड़ेगा। अरे कैसा डेकोरेशन हुआ है? कैसा शुक्ला जी? अरे एक मिनट। अरे शर्मिला बेटा, तुम कहाँ गायब हो जाती हो? अरे बाहर से बाकी बैग भी लेकर के आओ, मंडप में जरूरत पड़ेगी, जल्दी लेके आओ। फिर हमको आंख मार नहीं, फड़क रही मतलब मम्मी भी कुछ गड़बड़ होगी।